अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मुंह बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी, दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई? गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? हिन्दुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। एक एक पाई हिन्दुस्तान की वापस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा?